नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑनलाइन क्वेश्चन में स्वागत है। चलिए हम लोग बात करते हैं। हम लोग टेबल पे एग्जांपल बना चुके हैं, टेबल हम यहाँ पे देख लिए हैं, टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं किस तरीके से यहाँ पे इसकी सेल की हाइट और विड्थ को हम लोग कैसे बढ़ाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, हाइट और विड्थ के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लेके आते हैं और आज हम इस पर हम काम करते हैं। चलिए डियर देखते हैं कैसे करते हैं। बस वही काम करना है, नोटपैड ओपन करना है और तुरंत हमको अपना वही कोडिंग का प्रोसेस रखना है जो अभी तक हम लोग करते चले आए हैं। तो सबसे पहले एचटीएमएल ओपन कर लेते हैं, बॉडी टैग ओपन कर लेते हैं। बॉडी टैग ओपन करते ही तुरंत यहाँ पे हमको जो भी रखना होता है हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सपोज दैट हमको टेबल डिफाइन करना है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल टैग यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। ओके, क्या डिफाइन करेंगे, टेबल टैग। अब टेबल में हमको क्या करना है, बॉर्डर को डिफाइन करना है, विड्थ को डिफाइन करना है, बिल्कुल आप डिफाइन कर सकते हो। टेबल हम यहाँ पे डिफाइन करने के बाद हमको बॉर्डर भी डिफाइन करना है, टेबल बॉर्डर हम यहाँ पे बॉर्डर लिख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे टेबल बॉर्डर को डिफाइन कर लिया। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे हमने टेबल बॉर्डर को क्या किया, डिफाइन कर लिया। ठीक है, टेबल बॉर्डर हमने कितना रख दिया, 1 रख दिया। और क्या डिफाइन करना है हमको, विड्थ डिफाइन करना है, बिल्कुल यहाँ पे हम विड्थ डिफाइन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे विड्थ डिफाइन कर लिया, इतना रखना है, 100 रखना है, 100 रख दो। ओके, चलिए इतना हो गया, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो भाई। तो हमने यहाँ पे टेबल में क्या क्या रखा, बॉर्डर को भी रख लिया और इसकी विड्थ को भी रख लिया। ओके, चलिए अब टेबल के अंदर हमको क्या देना है, सबसे पहले टी आर ओपन करना है, टी आर हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, चलिए टी आर हमने ओपन करते ही अब टी आर के अंदर हमको क्या डेटा डिफाइन करना है, चलिए यहाँ पे हमको क्या करना है जल्दी से देख लेते हैं, टी डी। ठीक है, क्या डिफाइन करना है, टी डी, टी डी में क्या रखना है, ठीक है, क्या देना है, टी डी टैग यहाँ पे लगाना है, टी डी टैग हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब टी डी में जो भी डेटा आपको रखना है बिल्कुल आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, सपोज दैट हमने यहाँ पे रख दिया टेबल विड्थ, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, टेबल विड्थ। ओके, टेबल विड्थ हो गया। अब क्या करेंगे, टेबल विड्थ यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया, तुरंत हमने क्या किया, टी डी को बंद कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, टी डी को बंद कर दिया, यहाँ पे हमारा टी डी क्लोज हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, टी डी हमारा बंद हुआ, हाँ जहाँ पे ओपन है वहीं पे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, किसको, टी डी को। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, टी आर ओपन है, टी आर बंद कर दो, चलिए हमने टी आर को बंद कर दिया, हमने टी आर को बंद कर दिया। अब क्या करना है, टी आर जैसे हमारा बंद हो गया, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे तुरंत यहाँ पे ध्यान देना है डियर। ठीक है, चलिए टी आर बंद हुआ, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे टी आर फिर ओपन कर लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, टी आर ओपन फिर कर लेना है, और टी आर जैसे हमारा ओपन हुआ, टी आर बंद हो गया। चलिए और भी कंटेंट बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, अदरवाइज नहीं बढ़ाना है तो बस यहीं पे क्या करेंगे, टेबल बंद कर देंगे। क्या करेंगे, टेबल को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, टेबल क्लोज हो गया, इसके पहले फिर आप देखिए क्या ओपन है, बॉडी ओपन है, बॉडी बंद हो गया, बिल्कुल बॉडी क्लोज। ओके, बॉडी के बाद क्या ओपन है आपका, एचटीएमएल ओपन है, एचटीएमएल बंद हो गया। चलिए इतना काम हो गया, सेव कर लेते हैं फाइल को, फाइल में जाते हैं, फाइल में जाते हैं, नेक्स्ट आपको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रवि था, राज नाम से सेव कर दो, राज डॉट एस टी एम एल। ओके, फाइल हमारी सेव हो गई, रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए सेल की विड्थ हमने क्या किया, बढ़ा दिया। ठीक है,
सेल का बिड क्या हुआ हमारा, बढ़ गया। ठीक है, जितना देना है 100% है, या बॉर्डर हमने यहाँ पे एक दिया है, बॉर्डर और आप बढ़ा सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो, बिल्कुल देख लीजिए। बॉर्डर हम यहाँ पे 10 कर दें। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बॉर्डर को 10 कर दिया। ठीक है, बॉर्डर हमारा 10 हो गया और ब्रेथ हमारी क्या हो जाए, 200 कर दें। बिल्कुल 200 कर दिया, फिर से सेव कर लो। बिल्कुल सेव कर लो। चलिए अब देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको डिफाइन कर दिया। ओके, चलिए समझ में आ गया ढेर।